Welcome guys, welcome to Any Home Tax once again. So today we are going to discuss about e-invoicing system under the GST. Why this e-invoicing is important right now is because from 1st April 2022 there is a major amendment coming up under the e-invoicing. Currently e-invoicing is applicable to the taxpayers whose turnover exceeds 550 crore in a financial year, but now onwards from 1st April 2022 this is going to be applicable to the taxpayers whose turnover exceeds 20 crores in a financial year. So 20 crores se zyada agar aapka turnover hai to aapko e-invoicing applicable ho jayega 1st April 2022 se. E-invoicing का मतलब होता है electronic invoicing. इसके through अब GST department B2B invoices को electronically authenticate करेगा. क्या e-invoicing का मतलब ये है कि हमें GST portal पे जाके invoices को raise करना होगा? The answer is no, a big no. Invoices आपके accounting software पे ही raise होंगे, but उनको further आपको feed करना होगा GST department के बनाए गए portal पे. So आइए देखते हैं what is the process. So B2B, जितने भी B2B invoices हैं, वो आप अपने accounting system, ERP system, जो भी billing system आप use करते हैं, उस पे आपको raise करना होगा. But जैसे ही raise हो जाएंगे, तब आपको उन invoices को feed करना होगा. कहाँ पे? Invoice registration portal पे, IRP. So it's a portal created by the GST department specifically for the purpose of invoicing. Okay? So once आप अपने invoice accounting software पे रेस करते हो, उसका इंफॉर्मेशन आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डालना पड़ेगा. जैसे ही आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इनवॉइसेस को फीड करोगे, आईआरपी विल जनरेट अ यूनिक आईआरएन नंबर विच वी कॉल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर. यूनिक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक यूनिक नंबर होगा जो हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट पे रेस किया जाएगा. साथ ही साथ एक QR कोड भी इनवॉइस पे फीड किया जाएगा एंड इनवॉइस को डिजिटली साइन किया जाएगा. ओके, सो इन दिस वे ई इनवॉइसिंग जो है वो इश्यू किया जाएगा. अब इसमें एक पॉइंट ये है कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो इंफॉर्मेशन फीड होगा वो एक यूनिक फॉर्मेट में होगा. देयर इज अ स्पेसिफिक स्कीमा और फॉर्मेट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट. सो आपके अकाउंटिंग सिस्टम को आपको अपग्रेड करना होगा ताकि जब आप बल्क इनवॉइसेस को फीड करें तो आपका जो JSON फाइल है, जो आपका JSON फाइल है, वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट IRP पोर्टल एक्सेप्ट करता है, जो फॉर्मेट इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक्सेप्ट करता है. ओके, सो ई इनवॉइसिंग इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो फेक इनवॉइसेस का जो स्कैम है, फेक इनवॉइसेस के थ्रू जो टैक्स इवेजन है, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, So let's talk about its applicability. So on 1st October 2020 it was initially made applicable to the taxpayers jinka turnover 500 crore se zyada tha. Okay, usko baad mein further reduce karke 100 crore kar diya gaya tha. To 1st January 2021 ko ye un taxpayers ke liye applicable tha jinka turnover 100 crore se zyada tha. फर्दर इसका इंपॉर्टेंस देखते हुए और टैक्स इवेजन को देखते हुए फर्दर रिड्यूस करके 50 करोड़ कर दिया गया 1st अप्रैल 2021 से एंड फाइनली 1st अप्रैल 2022 से इस थ्रेशोल्ड को कम करके कर दिया गया है 20 करोड़. तो अब अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि टर्नओवर किस साल का देखना है. क्या हमें अपने पिछले साल का या करेंट ईयर का टर्नओवर देखना है इनवॉइसिंग चेक करने के लिए? द आंसर इज अ बिग नो. आपको 2017-18 से लेके 2021-22 के अंदर किसी भी साल में, 2017-18 से लेके 21-22 में किसी भी साल में इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 20 करोड़ तो आपको ई इनवॉइसिंग का कंप्लायंस करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2021-22 में इस साल के एंड पे अगर आपका 20 करोड़ नहीं क्रॉस होता है, 15 करोड़ है, बट अगर पिछले साल 2019-20 में आपका 22 करोड़ था तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेनिफिट्स. देयर विल बी ह्यूज बेनिफिट्स फॉर ई इनवॉइसिंग इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टैक्स पेयर एज वेल, बिकॉज देयर विल बी टू मच ऑफ ऑटोमेशन विच विल कम अप थ्रू ई इनवॉइसिंग. सो डेटा रिकंसिलिएशन में हेल्प होगा.
नो मिसमैच एरर इन द सेंस कि व्हाट विल हैपन कि जब आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स को इनवॉइस को फीड करोगे तो और जैसे ही इनवॉइस जो है प्रोसेस हो जाएगा आईआरपी पोर्टल के थ्रू तो वहां से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे चला जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ई वे बिल जो पोर्टल है उस पे चला जाएगा। इससे ये होगा कि आपका जो जीएसटीआर 1 है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और जो ई वे बिल का जो पार्ट ए में जो इंफॉर्मेशन हम लोग फिल करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो बाद में जो कोई मिसमैच की चांसेस नहीं है बिकॉज मैनुअल इंटरवेंशन को एलिमिनेट कर दिया गया है। ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइस, डेफिनेटली अब इनवॉइस रियल टाइम में ट्रैक हो सकेंगे। बायर्स के पर्सपेक्टिव से बायर देख पाएगा क्यूआर कोड के थ्रू कभी भी कि उनके इनवॉइस का क्या स्टेटस है। ओके, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस जीएसटीआर 1 जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा तो इससे हमारा जो मैनुअल एंट्री था हर बार वो एलिमिनेट हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अब हमें जल्दी मिलेगा और जेन्युइन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ले रहे थे वो रुक जाएगा इससे। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास में रियल टाइम इनवॉइसेस अवेलेबल होगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास तो ऑडिट और सर्वे बार बार नहीं कराना पड़ेगा। ओके, बट द मेन जो फेक इनवॉइसिंग का जो द मेन इश्यू व्हिच वाज देयर दैट विल गेट एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। कुछ सेक्टर्स को ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है इनवॉइसिंग अगर उनका टर्नओवर क्रॉस हो भी जाए। एसईजेड यूनिट्स, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज विच इंक्लूड्स एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, इन सब पे आज के दिन और अभी तक ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं हुआ है। So this was just a basic summary of e-invoicing for your information. Okay, thank you.